सतगुरु आया है और मैं कई मनवार करा थाल भरा गज मोतिया कुमारा उन पर नेन धरा आग लगी आसमान में झूर झूर पड़े ने अंगा संत ना होता जगत में तो यू चल जा तो संसार अपने अपनी जगह बदलते रहो ताकि एक जगह पे पीछे लोगों के डिस्टर्ब नहीं पड़ा इधर हो चिपके भी इधर आ जाओ क्या फर्क पड़ता अपने तो एंगल तो आएगा ना तो आग लगी इस आसमान में यदि आग का गोला यदि आग लग गई तो क्या गिरेंगे आग में क्या गिरते हैं अंगार संतों ने कहा कि इस दुनिया में इतना विष फैल गया था कि उस विष को समाप्त करने के लिए भगवान ने संत के रूप में इस धरती पर जन्म लिया समय समय पर अलग अलग रूपों में कभी कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में संत दुनिया को समझाने के लिए आते रहे और इसलिए कवि ने लिखा कि आग लगी आसमान में झुरझुर पड़े अंगार और संत ना होता जगत में तो जड़ बढ़ तो संसार ये दुनिया में संत नहीं होते तो दुनिया कभी की समाप्त हो जाती खत्म हो जाती और इसलिए अरे गुरु बिन घोरी अंधेरा रे संतो ए गुरु बिन घोरी अंधेरा जी गुरु बिन घोरा अंधेरा रे संतो संतों ने कहा कि गुरु बिन घोर अंधेरा जिसके जीवन में गुरु की रोशनी नहीं है उसका जीवन अंधकार समान है घोर अंधेरा उसके जीवन में उदाहरण क्या माता बहन सुनना ए
नहीं प्रीतम का मेरा कन्या रहे कुमारी, नहीं प्रीतम का मेरा आंखों और अरस में खेले, अब खेले खेल घनेरा, खेले खेल घनेरा, खेले खेल घनेरा, लेकिन वापस पूछ रहा हूं, जिनके जिनके सदगुरु महाराज धारण किए हुए, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, वो लोग हाथ उठाओ। क्या बात है, ये सच्चे? और यार मैं तो बहुत धन्य हो गया आज। देखिए मुझे भी लगभग 17 साल हो गए ऐसे गाते हुए। मैं घुमंतु जीव हूं, घूमने वाला जानवर हूं तो। लेकिन मैं सवाल हमेशा पूछता हूं, तो कितनी भी भीड़ हो, मैं जब पूछता हूं कि भाई सदगुरु कितने लोगों के, तो कोई 50-100 लोग हाथ उठाते, उससे ज्यादा कभी नहीं उठाए। लेकिन आज मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं पूरा जीवन सफल हो गया कि मैंने पूछा कि कितने लोगों के गुरु हैं, तो आपने 70% लोगों ने हाथ उठाए। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को नमस्ते करता हूं। उदाहरण क्या दिया, हमारे मारवाड़ी में उधर ये मेवाड़ है, इधर थोड़ा ढूंढाड़ है, फिर ये पूरा इलाका निमाड़ है, बिल्कुल मध्य प्रदेश के बॉर्डर के करीब है हम। हमारे उधर एक भजन में कहा जाता है कि परण्योड़ी नार, काई परण्योड़ी नार पिया की गम जाने, यानी जिसका विवाह हो गया उस लड़की को, उस कन्या को पता होगा कि सास को कैसो है, जिसका विवाह नहीं हो उसको कहीं पता होगा ससुराल कैसो है। परण्योड़ी नार पिया की गम जाने, कहीं जाने लाण कुंवारी बाता, बिना विवेक बाप फिरे भटकती, इन कारण खावे लाता, क्योंकि ये तो लागा बाण मारे शब्द गुनारा, घायल में जा रही है माता। वो तो जिसको लगा है उसी को पता है जी। और अंत में में नहीं पत्थर को मेरा, जब तक आग रहे घर में, नहीं पत्थर को मेरा, चकमक चोटा लागे शब्द की,
देखिए गुरु का उदाहरण मैं माता जी ने सुनना, मैं आपके काम से जोड़ रहा हूं। गैस को चूल्हो है सबके घर में, आज भी तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना कर दी थी तो सबके यहां पहुंच गया होगा। अब मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मोदी जी वाली बात बाद में कहूंगा, पहले सुनो। देखो कितना सेंसिटिव दिमाग है, देखो आप, मतलब मैंने बात कुछ और की लेकिन आपका ध्यान सीधा इधर गया, इसका मतलब ये तय हो चुका है कि ये राजनीतिक विषय नहीं रहा, अब ये लोगों के दिल का विषय बन गया। बहुत बढ़िया। जैसे आप लोग गैस के चूल्हे को जलाने के लिए लाइटर का उपयोग करते हो, उस लाइटर के अंदर पत्थरी है, पत्थर है, लेकिन उसमें चिंगारी कब निकलती है? जब उसको स्ट्रोक मारते हैं। उसमें होता क्या है कि वो जो दो पत्थर है वो आपस में जब स्ट्रोक मारते हैं तो स्प्रिंग के माध्यम से उसमें टक्कर लगती है, तो उसके आगे से चिंगारी निकलती है। बस एक पत्थर आप हो और दूसरा जो सामने वो गुरुवराज के शब्द है, दोनों का मिलन हो गया। जब तक आग रहे पत्थर में पर नहीं पत्थर को मेरा, यानी पत्थर को पता नहीं कि मेरे अंदर अग्नि है, लेकिन गुरु रूपी शब्दों की चोट जब लग गई तो, जब तक आग रहे पत्थर में नहीं पत्थर को मेरा, चकमक चोट लगी शब्द की तो फेंके आग चौपेरा। बस ये संतों ने समझाया और इसलिए अंत में कबीर ने लिखा है, रामानंद मिला गुरुपुरा, सुनो भाई संतो, मिट गया भरम अंधेरा, मिट गया भरम अंधेरा, मिट गया भरम अंधेरा, ओ जी सुनो।